ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। कच्चे तेल दियां कीमतां लगातार हेठां आ रही हैं, पर देश च पेट्रोल डीजल दियां कीमतां आसमान छूण लगी हैं। पंजाब दे कई शहरां च तां पेट्रोल सैकड़ा भी ला चुका है अते कई शहरां च सैकड़े दी तैयारी है। मंगलवार नूं चढ़दी सवेर पेट्रोल 80 पैसे अते डीजल 70 पैसे होर महंगा हो गया। नवी सरकार आई है, लोग कहते तेल सस्ता करांगे, हर चीज सस्ती करांगे, बिल फ्री करांगे, जी क्या सब सब कुछ कहते करांगे, कोई वादा पक्के नहीं रहा जी। तो की हुण पहलां भी रोटी खाने, हुण भी खाने, पहलां सरकार एक बार हाथ जोड़ती है, हुण 5 साल सानूं जोड़ने पैणे जी। बहुत महंगा हो गया जी, जे मतलब बस तो बाहर ही हो गया जी, महंगाई बहुत हो गई है, घर के खर्चे नहीं पूरे होण दे। बहुत ज़्यादा असर पै रहा सर, पिछे चलो 70-80 पे गई, हुण तो 100 फिर टप गया, मुश्किल हो जानी है। सरकार नूं इह आ कि तेल घट करे, गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, वह भी 1000 टप गया, तो कुछ घट करना चाहिए उन्होंने। पिछले 8 दिनों च 7 बार तेल दियां कीमतां च इजाफा हो चुका है, यानी पैसा पैसा करके महंगाई लोगों की जेब हौली करती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए सोचना चाहिए, और तेल कुछ सुने समाचार में, सब चीज में सुने कि तेल सस्ता खरीदा गया है, हमारा राहत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बाकी राहत नहीं मिला। इलेक्शन खत्म होते बढ़ गया, बहुत दिक्कत चल रहा है, आदमी जिएगा का, यही से कारोबार सब चीज है, हर चीज का, और हर चीज के महंगाई बढ़ते जाएगा। खर्च में कटौती हुआ होगा आपसे? हाँ, खर्च में बहुत कटौती हो गया। मोटरसाइकिल अब हम लोग 7000-8000 के नौकरी करते हैं पटना में प्राइवेट, अब उसमें दिक्कत हो रहा है, हम लोग घर चलाने के मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल में तेल भराए कि ड्यूटी करे कि क्या करे। मंगलवार नो तेल दे मुड़ बदे भा मुताबक अमृतसर च पेट्रोल 100 रुपए 22 पैसे दे हिसाब नाल बिक रहा है। लुधियाना च रेट 100 रुपए 8 पैसे है। पटियाला च 99 रुपए 99 पैसे, फरीदकोट च 100 रुपए 12 पैसे, मोहाली च 100 रुपए 54 पैसे, फाजिलका च 100 रुपए 29 पैसे, मोगा च 100 रुपए 36 पैसे, फिरोजपुर च 100 रुपए 39 पैसे अते पठानकोट च पेट्रोल दा रेट 100 रुपए 36 पैसे हो गया। महंगाई बेकाबू होंदी जा रही है, जिस कारण नौकरी पेशा तो लेके हर कोई परेशान है। जिहदी 400 रुपए दिहाड़ी है, अपने थले मोटरसाइकिल रखेगा नहीं रखेगा? 200 रुपए सरों का तेल है, आटा हो गया 250 रुपए गुत्थी, की करेगा वो? ठीक जे 100 रुपए दे पार तेल हो रहा है तो बंदा कित्थे जाएगा, तुसीं दस्सो मैनूं। सरकारां बस जिहड़ा आंदा अपना ढिड भरदा ते गांह जांदा, होर किहदा सोचदा, कोई माड़े बंदा सोचदा जे? आप तो एसी जे बैठे माड़े बंदे नूं पुछो, या ठेली चलांदा उहनूं उहदा दुख सुख पुछो, झुग्गियां जिथे जाओ, ठीक जे? इत्थे राजे बने फिरदे आ साडे सिर ते। परेशानी ते भाजी बहुत ज्यादा आ, 100 दा तेल पाई दा मोटरसाइकिल जे वी ते 2 दिन नहीं कढ़दा, 100 तो भी उपर हुण कहिंदे चल जाणा वा तेल। इहदे कोई सोचणा चाहीदा सरकार नूं, आम लोकां दा बुरा हाल हैगा, ना तनखावां वधदियां नहीं आ, खर्चे वधी जांदे आ दिनों दिन, की बंदा करूगा? ते आम बंदा ते बहुत ज्यादा दुखी हैगा इस चीज़ तो। हुण वेख लो तुहाडे सामणे ही आ, गड्डी दे कम्म कार है किन्ने गए आ। पिछले 7 दिनों च पेट्रोल 4 रुपए 61 पैसे अते डीजल भी करीब 4 रुपए 54 पैसे महंगा हो चुका है। जेकर पिछले 5 दिनों की गल की जाए तो 25 मार्च नूं पेट्रोल ते डीजल दे रेट 80 पैसे प्रति लीटर दे हिसाब नाल वधे सन, 26 मार्च नूं भी 80 पैसे प्रति लीटर दे हिसाब नाल पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां वधीआं, 27 मार्च नूं पेट्रोल 50 पैसे ते डीजल 55 पैसे प्रति लीटर दे हिसाब नाल वधिया, 28 मार्च नूं पेट्रोल दी कीमत 30 पैसे ते डीजल 35 पैसे महंगी हुई, 29 मार्च नूं पेट्रोल 80 पैसे अते डीजल 70 पैसे प्रति लीटर दे हिसाब नाल वधिया।
बीते साल 27 जून पूरे पंजाब च पेट्रोल 100 रुपए दे पार चला गया सी, जिस तों बाद 2 नवंबर 2021 नू सब तो महंगा 111 रुपए 73 पैसे पेट्रोल होया। इसे तरह डीजल 29 अक्टूबर 2021 नू 100 रुपए तो पार सी, 1 नवंबर 2021 नू 101 रुपए 28 पैसे दर्ज किया गया। हालांकि उस समय चन्नी सरकार ने वैट च कटौती कर लोगों नू राहत जरूर दी सी, पर हुण एक बार फिर पेट्रोल डीजल नवे रिकॉर्ड कायम करन जा रहा है। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ABP ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।